पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन मिलके कराइए, हम भी देखें कौन कितने पानी में है। क्यों इनकी हिम्मत नहीं है इलेक्शन कराने की? क्योंकि यहाँ कहीं पे भी लोग खुश नहीं है। आपने तो दो तीन क्राइसिस की बात की, यहाँ क्राइसिस ही क्राइसिस। अक्सर बेशतर हमें ये देखने को मिलता है कि जिनकी 100-100, 200 सीटें, 50 सीटें हैं, वो यूनिटी कर नहीं पाते और छोटी पार्टियों से यूनिटी की उम्मीद की जाती है। कुल मिला के अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम सीटें जीतें, तब भी 6 सीटों से ज़्यादा हमारा असर रसूख रहेगा नहीं। 2 जम्मू से, 3 कश्मीर से, 1 लद्दाख से। तो इसमें जब हमारा रोल ही इतना छोटा है, तो हमसे ज्यादा उम्मीद करने की क्या जरूरत? यूनिटी वो लोग पहले करें जिनकी 40-50 सीटें हैं। अक्सर बेशतर हमें ये देखने को मिलता है कि जिनकी 100-100, 200 सीटें, 50 सीटें हैं, वो यूनिटी कर नहीं पाते और छोटी पार्टियों से यूनिटी की उम्मीद की जाती है। जो पहले 50-60-70 सीटों पर इलेक्शन लड़ते हैं, वो थोड़ा सा हमें यूनिटी दिखाएं, फिर हम भी यूनिटी की बात कर सकते हैं। क्राइसिस ही क्राइसिस है। अगर लोग खुश होते, अगर लोग मुतमयन होते, आपको नहीं लगता ये लोग इलेक्शन कराते? ये लोग क्यों इलेक्शन से डर रहे हैं? क्यों इनकी हिम्मत नहीं है इलेक्शन कराने की? क्योंकि यहाँ कहीं पे भी लोग खुश नहीं है। आपने तो दो तीन क्राइसिस की बात की, यहाँ क्राइसिस ही क्राइसिस है। कोई भी ऐसा महकमा नहीं है जहाँ पर क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस नहीं होता तो शायद हमें इलेक्शन मिल जाता। इलेक्शन नहीं मिल रहा, ये इस क्राइसिस का ही सबूत है। पार्लियामेंट के अगर इलेक्शन होते हैं, अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो सकते हैं तो असेंबली के क्यों नहीं? करिए पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन एक साथ, हम भी देखें। अगर हिम्मत है, ठीक है ना, आपको अकेले असेंबली इलेक्शन करने की हिम्मत नहीं है, पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन मिलके कराइए, हम भी देखें कौन कितने पानी में है।